हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है रजिस्टर के बारे में। तो रजिस्टर का ओम्स कितने ओम्स का है, वो किस तरीके से चेक करें मल्टीमीटर से, तो आज आपको मैं प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा। तो पहले यहाँ पे देखिए हमारा ओके कंडीशन रजिस्टर, दूसरा फुल शॉट रजिस्टर, तीसरा हो गया दोस्तों ओपन रजिस्टर और चौथा हो गया लीकेज रजिस्टर। तो सब आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा। और यहाँ पे देखिए अभी दो तरीके के रजिस्टर के बारे में भी समझाऊंगा आपको, HVR रजिस्टर और LVR रजिस्टर। वो क्या होता है, HVR रजिस्टर का मतलब है दोस्तों हाई वैल्यू का रजिस्टर। जो हम मल्टीमीटर को बीप की मोड में रखते हैं तो हमारी बीप आ रही है, और हमारी कई मोड कई में आपकी बीप नहीं आ रही है और आपका 100 ओम से ज़्यादा वैल्यू आ रही है, तो उसको हम बोलते हैं HVR रजिस्टर। वहाँ पे आपको बीप देखने को नहीं मिलेगी, ओनली रीडिंग ही आती है। और LVR रजिस्टर में क्या होता है दोस्तों, आपकी 100 ओम से नीचे आती है वैल्यू, मतलब कि 95, 80, 60 ऐसी कोई भी आपकी रीडिंग आती है और आपकी बीप भी बचती है, उसको बोलते हैं हम LVR रजिस्टर। तो आप दोस्तों LVR किसको कहते हैं और HVR किसको कहते हैं उसके बारे में पता चल गया होगा। तो अभी मैं आपको प्रॉपरली चेक करवाता हूँ मल्टीमीटर से कि हमारा कितने ओम्स का रजिस्टर है, उसको किस तरीके से चेक करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले मल्टीमीटर को बीप की मोड में रखेंगे। तो हम सबसे पहले मल्टीमीटर को बीप की मोड में सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए हमने मल्टीमीटर को बीप की मोड में सेट कर दिया है। तो आपको कौन सा रजिस्टर चेक करना है वो आपको लेना है। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे रजिस्टर के ऊपर प्रूफ रखते हैं, तो हमारी एक साइड दोस्तों एक वैल्यू आ रही है। तो कई मॉडल में दोस्तों आपको दोनों साइड बीप आती होगी और एक वैल्यू आती होगी, तो भी आपका रजिस्टर ओके है। तो यहाँ पे देखिए हमारी दूसरी साइड दोस्तों, हम चेक करते हैं कि दूसरी साइड हमारी कितनी रीडिंग आ रही है। तो देखिए दोस्तों हमारी दूसरी साइड रीडिंग आ रही है, हमारी बीप बिल्कुल भी नहीं आ रही। इसका मतलब है दोस्तों हमारा जो रजिस्टर है वो HVR है, हाई वैल्यू का रजिस्टर है, हमारा 100 ओम से ज़्यादा वैल्यू आ रहा है, तो वहाँ पे आपको बीप देखने को नहीं मिलेगी। तो हम उसको प्रॉपर चेक करेंगे कि कितना ओम्स का है हमारा। तो हमने 200 ओम पे सेट किया है तो भी हमारा प्रॉपरली ओम्स नहीं आ रहा है। तो अभी हम 2K पे सेट करते हैं तो 2K पे भी हमारा प्रॉपरली नहीं आ रहा है। तो अभी हम 20 पे सेट करते हैं तो 20 पे सेट करने के बाद हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों हमारा 4.78 किलो ओम्स का रजिस्टर है। तो आपको इस तरीके से इसको चेक करना है। तो हमारा कितना ओम्स का रजिस्टर है वो आपको इस तरीके से ट्रेस करके पता चल जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा 4.78 ऐसा कुछ हमारा किलो ओम्स का रजिस्टर आ गया है। तो आप दोस्तों HVR रजिस्टर और LVR रजिस्टर के बारे में समझ गए होंगे कि LVR रजिस्टर में दोस्तों आपको बीप देखने को मिलेगी और HVR रजिस्टर में आपको बीप देखने को नहीं मिलेगी, ओनली रीडिंग ही उसमें आती है। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ कि LVR रजिस्टर को कितनी रीडिंग आनी चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारी LVR रजिस्टर हम चेक करते हैं तो हमें दोनों साइड दोस्तों बीप देखने को मिलेंगी, और कहीं में दोस्तों एक साइड ही बीप आती है और एक साइड एक वैल्यू आती है। तो उसको रीडिंग कितनी मिलेगी आपको, यहाँ पे देखिए दोस्तों 85 मिलेगी, 70 मिलेंगी, 65 मिलेंगी या 89 मिलेंगी, ऐसे आपको रीडिंग देखने को मिलेंगी, उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा। तो हाई वैल्यू का रजिस्टर होता है उसका कितना किलो ओम्स का रजिस्टर उसका भी मैंने आपको बता दिया है। तो आपको इस तरीके से उसको चेक करना है। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा ओके कंडीशन में रजिस्टर है, तो उसको हम किस तरीके से चेक करें। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपकी एक साइड दोस्तों कितनी रीडिंग आनी चाहिए, एक भी आनी चाहिए, और दूसरी साइड दोस्तों आपकी बीप आनी चाहिए, और कई रजिस्टर में दोस्तों आपको दोनों साइड भी बीप देखने को मिलेंगी। तो आपको वो चेक करना है कि आपका शॉट है वो कैसे पता चलेगा। तो आपको दोनों साइड बीप आती है और एक आती है तो आपका ओके माना जाता है, 0-0 आती है तो आपका शॉट माना जाएगा। तो ओके कंडीशन को आपको इस तरीके से चेक करना है। यदि आपकी दोनों साइड बीप आ रही है तो आपको वो चेक करना है कि हमारी वैल्यू एक आ रही है तो आपका ओके माना जाता है। तो आप समझ चुके होंगे दोस्तों। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे ओके रजिस्टर के बारे में। तो अभी मैं आपको दोस्तों समझाता हूँ कि फुल शॉट रजिस्टर के बारे में। तो आपने रजिस्टर के ऊपर दोनों प्रूफ को रखा है और दोनों साइड दोस्तों आपकी बीप आ रही है और 0-0 आ रहा है। आप यहाँ पे देखिए दोनों साइड 0-0 आ रहा है तो आपका रजिस्टर शॉट है। तो आप शॉर्ट रजिस्टर के बारे में दोस्तों समझ चुके होंगे। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों ओपन रजिस्टर के बारे में कि ओपन रजिस्टर को किस तरीके से चेक करें। तो ओपन रजिस्टर में आपको कोई भी बीप नहीं आएगी, दोनों साइड आपकी एक न एक ही वैल्यू रहेगी या तो 0-0 वैल्यू रहेगी, आपका कोई भी बीप नहीं आएगा। तो इसको इस तरीके से चेक किया है कि ओपन रजिस्टर को किस तरीके से चेक करें। तो आप रजिस्टर ओपन के बारे में समझ गए होंगे। तो अभी आया दोस्तों लीकेज रजिस्टर के बारे में कि लीकेज रजिस्टर को किस तरीके से चेक करें। तो हम रजिस्टर के ऊपर दोनों प्रूफ को रखेंगे और यदि दोस्तों हमारा दोनों प्रूफ में हमने रखने के बाद हमने प्रूफ को चेंज करने के बाद हमारी दोनों साइड रीडिंग आ रही है तो हमारा जो रजिस्टर है दोस्तों वो लीकेज कहलाता है। तो आप रजिस्टर के बारे में सब कुछ समझ गए होंगे। तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।